नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से हुई दुर्गा पूजा की शुरुआत। शिक्षा से जुड़े हजारों शिकायतों पर बिहार सरकार ने लिया एक्शन। कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना के तहत सरकार की मदद से बढ़ाएं आमदनी और हरियाली। पुलिस की मदद कर कमाए 3 लाख तक रुपए। भारत ने पाकिस्तान को हराकर विश्व कप 2023 में लगाई जीत की हैट्रिक। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल जीडी के पदों पर भर्ती का ऐलान। सशस्त्र सीमा बल भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर 272 पदों को भरने का ऐलान किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2023 से शुरू की जाएगी। ऐसे में आवेदन शुरू होते ही अभ्यर्थी https://ssb.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा अभ्यर्थी का स्पोर्ट्स में निर्धारित योग्यता रखना भी अनिवार्य होगा। बता दें कि भर्ती से जुड़ी विस्तृत एवं अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन 21 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। आज से हुई दुर्गा पूजा की शुरुआत। आज यानी कि 15 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में कलश की स्थापना करना बेहद महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। बता दें कि इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई हैं, क्योंकि नवरात्र की शुरुआत रविवार से हो रही है। मालूम हो कि माता का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं मां दुर्गा का प्रस्थान कुक्कुट यानी कि मुर्गे से होगी। बता दें कि नवरात्र के पहले दिन यानी कि आज मां शैलपुत्री की पूजा होती है, तो वहीं दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, पांचवे दिन मां स्कंद माता, छठे दिन मां कात्यायनी, सातवें दिन मां कालरात्रि, आठवें दिन मां महागौरी और नौवें दिन मां सिद्धि रात्रि की पूजा की जाती है। वहीं अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो कलश स्थापना का मुहूर्त 11:48 से दोपहर 12:36 तक है। इसके अलावा घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:30 से सुबह 8:47 तक है और अभिजित मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी शारदीय नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे दीपाली किशोर के बारे में। दीपाली किशोर एक भारतीय गायिका है। वह इंडियन आइडल 3 की फाइनलिस्ट थी। वह बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम के साथ भी दिखाई दी और फिल्म गोल से एक समूह गीत प्रस्तुत किया। उन्होंने फिल्म डॉन मुथुस्वामी के लिए एक गाना गाया है। गाना आई लव यू है, जिसे अनु मलिक ने कंपोज किया है। उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 4 में मियांग चांग के साथ ऑडिशन और रूबरूज की मेजबानी की है। उन्होंने आभास जोशी के साथ डीडी नेशनल पर एक संगीत शो भारत की शान सिंगिंग स्टार की मेजबानी की है। दीपाली महुआ टीवी पर आने वाले भोजपुरी धारावाहिक बड़की मलकाएं में अभिनय कर रही हैं। उनका नवीनतम बॉलीवुड गाना मिथुन के साथ की एंड का जी हुजूरी है। शिक्षा से जुड़े हजारों शिकायतों पर बिहार सरकार ने लिया एक्शन। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर 2 माह पहले कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया था, जिसके माध्यम से सभी जिला एवं प्रखंड मुख्यालय में संचालित शिक्षा कार्यालयों में आए जन शिकायतों पर नजर रखने का काम किया जा रहा है। मालूम हो कि अब तक इसके माध्यम से कुल 7,263 मामले शिक्षा विभाग के पास पहुंचे हैं। इनमें से 5,095 मामले ऐसे हैं जिनका विभाग की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादन किया जा चुका है। वहीं बाकी बचे मामले प्रखंड व जिला स्तर पर लंबित है, जिसे त्वरित निष्पादन करने का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि इसके माध्यम से शिक्षकों के वेतन, पेंशन, मध्याह्न भोजन, पेयजल एवं शौचालय की कुव्यवस्था और आधारभूत संरचना में गड़बड़ी जैसे शिकायतों विभाग को मिल रही है। बिहार में अब तय समय पर होंगे ऑनलाइन दाखिल खारिज। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक नई व्यवस्था की गई है, जिसके तहत अब कागजात नहीं मिलने को वजह बताकर ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन को रद्द या उसकी प्रक्रिया में विलंब नहीं किया जा सकेगा और इसे तय समय सीमा के अंदर पूरा किया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह के द्वारा सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखकर इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि विभाग की ओर से जो नई व्यवस्था लागू की गई है वह बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2020 के उपनियम 3(क) एवं 3(ख) में किए गए प्रावधानों के तहत बदलाव किए गए हैं।
जिसके तहत अब आवेदक को दाखिल खारिज याचिका ऑनलाइन समर्पित करने पर एक टोकन प्राप्त होगा। वहीं आवेदन अंचल अधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। बता दें कि राजस्व कर्मचारी आवेदन में अंकित तथ्यों की जांच संलग्न दस्तावेजों से 3 कार्य दिवस में करेंगे और त्रुटि जांच की रिपोर्ट की सूचना ऑनलाइन संबंधित अंचल अधिकारी को भेज देंगे। इसके बाद आवेदक को कंप्यूटर जनरेटेड वार्ड संख्या प्राप्त होगा और अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदन को आवश्यक संशोधन के लिए आवेदक को वापस भेज दिए जाएंगे। बिहार में यहां लगेगा 16 अक्टूबर को रोजगार मेला। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि 16 अक्टूबर को बेतिया में श्रम संसाधन विभाग जिला नियोजनालय के तत्वाधान से रोजगार मेला आयोजित किया जाने वाला है। बता दें कि इस रोजगार मेला की शुरुआत 16 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से हो रही है, जो कि शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। ऐसे में जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इस रोजगार मेला में भाग लेना चाहते हैं, वे अपने बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड लेकर आयोजन स्थल पर आए। वहीं अभ्यर्थियों का जिला नियोजनालय कार्यालय में निबंधन होना आवश्यक है, जो कि भारत सरकार के पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। वहीं अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जारी की गई दूरभाष संख्या 0625429573 पर अभ्यर्थी अधिक जानकारी हासिल करने के लिए कॉल कर हेल्प सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। दिवाली छठ पर बिहार से मुंबई के लिए चली स्पेशल ट्रेन। त्योहार में होने वाले भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से बिहार के समस्तीपुर से मुंबई के LTT के बीच वातानुकूलित साप्ताहिक सुपर फास्ट विशेष पूजा स्पेशल ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इस विशेष पूजा स्पेशल ट्रेन में 20 LHB कोच होंगे, जो 14 फेरे लेंगे। बता दें कि समस्तीपुर से मुंबई के लिए जिस पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा वह गाड़ी संख्या 01043 है, जिसकी शुरुआत 19 अक्टूबर 2023 से होने वाली है और जो 30 नवंबर 2023 तक चलेगी, जो प्रत्येक गुरुवार को 12:15 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलेगी और अगले दिन 9:15 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 01044 20 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 1 दिसंबर 2023 तक प्रत्येक शुक्रवार को 11:20 बजे से समस्तीपुर से खुलेगी और लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। बिहार के सरकारी डेंटल कॉलेजों में नामांकन शुल्क तय। अब राज्य सरकार के द्वारा बिहार के सरकारी डेंटल अस्पतालों में BDS और MDS कोर्स में दाखिला लेने की फीस निर्धारित कर दी गई है, जिसके तहत अब पटना डेंटल कॉलेज और नालंदा जिला में रहुई स्थित डेंटल कॉलेज के BDS कोर्स में दाखिला लेने पर 45,800 रूपए और MDS कोर्स में नामांकन लेने के लिए 49,200 रूपए तय किए गए हैं। मालूम हो कि BDS और MDS कोर्स में दाखिला लेने के लिए जो फीस निर्धारित किया गया है उसमें एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, कॉशन मनी, बिजली चार्ज, मैगजीन सोसाइटी, कॉलेज एक्टिविटी, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, स्टूडेंट यूनियन फंड और नामांकन के बाद 3.5 साल तक दिए जाने वाले फीस भी शामिल हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे विश्व शांति स्तूप के बारे में। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। सफेद रंग का एक विशाल स्तूप है। बुद्ध की प्रतिमाएं चारों दिशाओं में स्तूप पर आरूढ़ है। इसमें एक छोटा जापानी बौद्ध मंदिर भी है, जिसके अंदर एक बड़ा पार्क है। स्तूप के पास एक मंदिर है जहां विश्व शांति के लिए प्रार्थनाएं की जाती है। प्रारंभिक शिवालय का निर्माण 1969 में पूरा हो गया था। 1993 में होने वाले नई पहल के परिणाम वश स्तूप का वर्तमान रूप में सामने आया। यह लगभग 80 शांति पैगोडाओं में से एक है, जो कि 9 बौद्ध संगठन निप्पोन नजान मैहोजी द्वारा दुनिया भर में बनाए गए। यह फूजी निजी दात्सू का एक सपना था, जो गांधी जी से प्रेरित थे। जापान के परमाणु बमबारी को लेकर प्रतिक्रिया के रूप में राजगीर में रत्नागिरी हिल पर बनाया जा रहा पहला और अधिक प्रसिद्ध विश्व शांति स्तूप है। यहां से थोड़ी ही दूरी पर वृद्धकूट नामक स्थान भी है, जो बुद्ध का एक प्रिय स्थान था। कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना के तहत सरकार की मदद से बढ़ाएं आमदनी और हरियाली। बिहार सरकार की ओर से वानिकी को बढ़ाने व आम लोगों में पेड़ों के प्रति रुचि लाने के लिए कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना की शुरुआत की गई है। बता दें कि बिहार सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ राज्य के वनाच्छादित हिस्सों को बढ़ाना चाहती है। वहीं इस योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों को मात्र 10 रुपए में प्रति पौधे की दर से सागवान, मोहगनी, गम्हार, शीशम, खैर आदि के पौधे रोपण हेतु उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं 3 वर्ष बाद इस 10 रुपए को सरकार की ओर से लौटा दिए जाते हैं और साथ ही किसानों को 3 वर्ष पश्चात पौधों की 50% से अधिक उत्तरजीविता होने पर 60 रुपया प्रति पौधा अलग से दिए जाएंगे। इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए स्थानीय वन प्रमंडल या वन प्रक्षेत्र कार्यालय से संपर्क करें या 6122269114703045992 पर भी कॉल कर सकते हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान सुरक्षा के रखे गए पुख्ता इंतजाम।
18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आने वाली है। ऐसे में उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे जाएंगे। बता दें कि इस दौरान 150 मजिस्ट्रेट, 200 पुलिस अधिकारी और 800 से अधिक जवानों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही घुड़सवार दल कार्यक्रम स्थल के पास तैनात करेंगे। मालूम हो कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति अपने 3 दिवसीय दौरे पर सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में स्थित बापू सभागार में 4थे कृषि रोड मैप का लोकार्पण करेंगी। इसके बाद वापस राजभवन जाएंगी और शाम में ही श्री हरमंदिर साहिब जाएंगी और अगले दिन 19 अक्टूबर को मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जाएंगी। वहां से लौटने के बाद पटना एम्स में छात्रों को संबोधित करेंगी। 20 अक्टूबर को गया केंद्रीय विवि के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और फिर गया से ही नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। जेल में रहकर ली शिक्षा और अब घर में रहकर कर रहे खेती, जहाँ चाह वहाँ रह, ये तो हम कई बार सुने हैं। अब इस पंक्ति को एक व्यक्ति ने एक बार फिर से सच कर दिखाया है। बता दें कि हम बात कर रहे हैं बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले बिंदेश्वर दास के बारे में। मालूम हो कि बिंदेश्वर दास पर 304B के तहत आरोप लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने 13 नवम्बर 2019 को न्याय अभिरक्षा में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें 5/2023 को न्यायालय के द्वारा ADJ एक्ट से 498 के तहत 3.5 वर्ष का कारावास की सजा दी गई। इस सजा के दौरान उन्होंने जेल में रहकर न केवल पढ़ाई की बल्कि अगरबत्ती निर्माण और मशरूम की खेती की ट्रेनिंग भी ली, जिसका प्रमाण पत्र भी उन्हें दिया गया है। ऐसे में अब जब वे जेल की सजा से मुक्त हो गए हैं, तो अब वे अपने घर पे रहकर खेती कर रहे हैं और अब वे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर परिवार का पोषण कर पाने में सक्षम है। पुलिस की मदद कर कमाए 3 लाख तक रुपए। पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा बीते दिन जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब अवैध शराब तस्करी, अवैध खनन, सोशल मीडिया के जरिए उन्माद फैलाने वालों के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति को इनाम के रूप में 3 लाख रुपए तक इनाम दिए जा सकते हैं और साथ ही उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। मालूम हो कि पहले भी इनाम के रूप में पुलिस की मदद करने वाले लोगों को राशि दी जाती थी, लेकिन अब इस इनाम को राशि को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि पुलिस अधिकारी रैंक के हिसाब से इनामी राशि की घोषणा कर सकते हैं। जैसे कि SP 25,000 रुपए तक का इनाम दे सकते हैं, तो वही IG, DIG 50,000 रुपए तक, ADG 1 लाख रुपए तक और DGP सबसे ज्यादा 3 लाख रुपए तक का इनाम दे सकते हैं। मालूम हो कि इस संबंध में गृह विभाग के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है। प्रदेश में सुबह सुबह धुंध छाए रहने की संभावना। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में अब लोगों को राहत मिलने लगी है। कहा जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में प्रदेश से मॉनसून की विदाई लगभग तय मानी जा रही। बता दें कि एक ट्रफ लाइन रेखा अभी अररिया के फारबिसगंज से होकर गुजर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सीमांचल वाले इलाकों को छोड़ दें तो प्रदेश से मॉनसून लगभग समाप्त हो गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रदेश में अब बारिश की संभावना न के बराबर है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के अधिकांश भागों में सुबह के समय धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि हिमालय की तलहटी वाले इलाकों में हल्के से मध्यम कुहासा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में मौसम का मिजाज शुष्क बना रहेगा। पिछले दिन के मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। कैंसर मरीजों को अब बिहार में ही रेडिएशन कराने की मिलेंगी सुविधा। 16 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल सवेरा कैंसर अस्पताल में कैंसर इलाज के लिए रेडिएशन ऑनकोलॉजी का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि इस बात की जानकारी सवेरा कैंसर हॉस्पिटल के MD और प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर VP सिंह के द्वारा अस्पताल परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से इलाज होने के दौरान मरीज को किसी प्रकार का दर्द, ठंडा, गर्म महसूस नहीं होता और साथ ही इसके दुष्प्रभाव भी अस्थायी होते हैं। उन्होंने बताया कि यह कैंसर के इलाज का एक कारगर तरीका है। बता दें कि इस थेरेपी के अंतर्गत कैंसर कोशिकाओं को मारने और ट्यूमर को सिकुड़ने के लिए विकिरण की हाई डोज का उपयोग किया जाता है। सुर संग्राम में मुंगेर की बेटी ने रचा इतिहास। बिहार के युवा हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वह खेल जगत हो या फिल्मी जगत। बता दें कि इसी कड़ी में अब बिहार के मुंगेर की बेटी लक्ष्मी संध्या के द्वारा TV रियलिटी शो सुर संग्राम में क्वालिफाई कर एक नया इतिहास रचते हुए अपने जिला और प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया गया है। बता दें कि वह ऐसा करने वाली पहली भोजपुरी गायिका बन गई है। मालूम हो कि लक्ष्मी संध्या पटना, गया और भागलपुर में ऑडिशन देने के बाद मुंबई के लिए चयनित हुई और अब वो टॉप 5 में है। लक्ष्मी संध्या की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर लक्ष्मी संध्या के पिता और माता का कहना है कि बेटियां बोझ नहीं होती, इसलिए उनकी प्रतिभा को पहचाने और उनकी हर संभव सहयोग करें। जनरल बिपिन रावत की बेटियों ने पिता और माँ के नाम पर किया तर्पण।
बीते दिन शनिवार को भारत के पहले CDS और पूर्व थल सेना प्रमुख मेजर जनरल बिपिन सिंह रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की आत्मा की शांति के लिए बिहार की मोक्ष नगरी कहे जाने वाले गया में उनकी दोनों बेटियों और छोटे बेटे के द्वारा पूरे विधि और विधान के साथ विधिवत तरीके से उनका पिंडदान किया गया। बता दें कि पिंडदान के कर्मकांड में पूर्व थल सेना प्रमुख की बड़ी बेटी कृतिका रावत, छोटी बेटी तारिणी रावत, मेजर जनरल बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत आदि मौजूद रहे। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कर्मकांड समापन होने के बाद परिजन गया एयरपोर्ट से अपने घर के लिए रवाना हो गए। राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रमोशन लिस्ट तैयार करने को गठित हुई स्क्रीनिंग कमेटी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद अब इस काम को पूरा करने के लिए सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के शनिवार और रविवार की छुट्टी को भी रद्द कर दिया गया है। वहीं अब परिचालित अस्थायी स्थानापन कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के प्रावधानों के आलोक में राज्य अधीन सेवा के विभिन्न सेवा संवर्गों में अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पद का कार्यकारी प्रभार देने के निमित्त विचार करने के लिए एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है, जिसमें 5 लोगों को जगह दी गई है। बता दें कि स्क्रीनिंग समिति में जिन 5 लोगों को जगह दिया गया है उनमें SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी हैं। इस कमेटी में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव अथवा विभागाध्यक्ष को प्रेसिडेंट बनाया गया है। राजभवन मार्च के दौरान उपेंद्र कुशवाहा का सरकार पर हमला। बीते दिन RLJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के द्वारा बिहार में जातीय गणना रिपोर्ट के खिलाफ पटना के गांधी मैदान से राजभवन मार्च निकाला गया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए अपने इस राजभवन मार्च को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि लोग यह नहीं बता रहे कि बिना मुझसे पूछे कैसे डाटा लिखा। अगर ये कुछ नहीं बता रहे, यानी कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से डाटा लिखा है। मेरी बात को झुठलाने के लिए ये लोग राजनीति की बात करते हैं। यही कारण है कि हम लोगों ने राजभवन मार्च निकाला है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा यह दावा किया गया है कि जाति गणना की सर्वे रिपोर्ट में गड़बड़ी है। इसके साथ उन्होंने कई जातियों की आबादी को घटाने का आरोप भी लगाया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मुगल शासक औरंगजेब ने 1686 को बीजापुर के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। टाटा कंपनी ने टाटा सन्स लिमिटेड नामक देश की पहली एयरलाइन की शुरुआत 1932 में की। टाटा एयरलाइन की पहली उड़ान 1935 में भरी। त्रिपुरा राज्य को भारत में 1949 को सम्मिलित किया गया। अरुंधति राय को 1997 में उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की फातिमा बी को 1998 में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिजर्व बैंक ने 2008 को CRR में 1% की कटौती की घोषणा की। अरविंद अधिक को उनकी पुस्तक द हाइट टाइगर के लिए वर्ष 2008 को बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। मुगल शासक अकबर का जन्म 1542 में हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार शंकर जयकिशन का जन्म 1922 में हुआ। भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री रमन सिंह का जन्म 1952 में हुआ। भारतीय निर्देशक मीरा नायर का जन्म 1957 में हुआ। मध्यकालीन भारत का एक विद्वान साहित्यकार और फारसी का प्रसिद्ध कवि फैजी का निधन 1595 में हुआ। एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार श्रीकांत त्रिपाठी निराला का निधन 1961 में हुआ। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी का निधन 1975 में हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी दुर्गा भाभी का निधन 1999 में हुआ। भारत ने पाकिस्तान को हराकर विश्व कप में लगाई जीत की हैट्रिक। बीते दिन एशिया कप 2023 का 12वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 192 रन का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करते हुए भारतीय टीम के द्वारा 7 विकेट खोकर 30.3 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान को हराते हुए विश्व कप में जीत की हैट्रिक लगाई। बता दें कि भारत की ओर से सबसे अधिक कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा 86 रन की पारी खेली गई, तो वहीं श्रेयस अय्यर ने 53 रन बनाकर नाबाद रहे। तो वहीं विराट और शुभमन गिल ने 16-16 रन का योगदान दिया। अगर गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के द्वारा 2-2 विकेट लिए गए। बता दें कि वर्ल्ड कप के इतिहास में बीते दिन के हुए मैच के बाद भारत ने पाकिस्तान को 8वीं बार हरा दिया है। वर्ल्ड कप में आज हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी
परिषद जापान के बारे में सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी परिषद जापान के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कुछ विज्ञापनों में दावा किया गया है कि उत्तर पूर्वी परिषद जापान में नर्सों के रूप में प्लेसमेंट के लिए प्रायोजन और होटल उद्योग के लिए कौशल ऋण प्रदान करेगी। पीआईबी ने अभी ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। एनईसी कभी भी ऐसी भर्ती अभियानों को प्रायोजित नहीं करता और कौशल ऋण प्रदान नहीं करता। व्हाट्सएप में आने वाले इस नए फीचर को ऑन कर प्राइवेसी को करे और बेहतर। यूजर्स की प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए कंपनी समय समय पर व्हाट्सएप ऐप में नए अपडेट देती रहती है। व्हाट्सएप में प्राइवेसी से जुड़े कई फीचर्स हैं। अगर आप इन सबको एक जगह पर देखना चाहते हैं तो कंपनी के प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक कर चेक प्राइवेसी टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको वो तमाम फीचर दिख जाएंगे जो प्लेटफॉर्म पर आपकी प्राइवेसी के लिए जरूरी हैं। इस बीच कंपनी यूजर्स की प्राइवेसी को और बेहतर बनाने के लिए प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस एंड कॉल नाम के फीचर पर काम कर रही है। इसे ऑन करने पर आपकी व्हाट्सएप कॉल कंपनी के सर्वर के माध्यम से होगी और कोई भी आपकी लोकेशन और आईपी एड्रेस को ट्रेस नहीं कर पाएगा। हालांकि व्हाट्सएप सर्वर के जरिए कॉल होने से इसकी क्वालिटी थोड़ी लो हो जाएगी, लेकिन आपकी प्राइवेसी एकदम सिक्योर हो जाएगी। फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग चल रही है जो कुछ एंड्रॉइड बीटा और आईओएस टेस्टर्स के पास उपलब्ध है। नए फीचर की जानकारी व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WE बीटा इन्फो ने शेयर की है। लैपटॉप टैबलेट के इम्पोर्ट पर बैन न लगाकर निगरानी करेगी सरकार। कुछ समय पहले सरकार की ओर से विदेश से लैपटॉप टैबलेट के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब कंज्यूमर सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के अनुसार सरकार ने हार्डवेयर इंडस्ट्री की मांग को सुनते हुए अपने इस फैसले को वापस ले लिया है। ऐसे में अब लोग बिना किसी इजाजत के लैपटॉप टैबलेट विदेश से लेकर आ सकते हैं। बता दें कि अब सरकार की ओर से लैपटॉप टैबलेट की खेप पर निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत 1 नवंबर से होगी। इस संबंध में काम प्रगति पर है। उम्मीद है कि यह 30 अक्टूबर से पहले हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार की ओर से विदेश से लैपटॉप टैबलेट के इंपोर्ट पर बीते 3 अगस्त को बैन लगाया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ेंगे CBSE स्कूल। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कौशल विकास वाले विषयों में दिलचस्पी बढ़ाने और करियर विकल्प चयन करने के लिए सत्र 2024-25 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE से मान्यता प्राप्त सभी CBSE स्कूल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ेंगे, जिसके तहत कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को स्किल विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में सभी स्कूलों को जानकारी दे दी गई है। मालूम हो कि इस योजना के तहत हर स्कूलों में स्किल हब बनाया जाएगा, जिससे कि स्किल विषयों का प्रशिक्षण छात्र अपने स्कूल परिसर में ले पाएंगे। बता दें कि स्किल हब की स्थापना के लिए SOP जारी कर दिया गया है। इसके लिए स्कूलों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वेबसाइट पर जाकर ₹6,000 में पंजीयन कराना होगा। इसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन होगा। मालूम हो कि छात्रों के लिए अलग अलग बैच की व्यवस्था की जाएगी और हर छात्र को 180 कक्षाएं और प्रयोगशाला करवाई जाएंगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यहां हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए शुभमन गिल, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी श्रेयस अय्यर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विराट कोहली। अगला सवाल, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी किशनगंज, ऑप्शन डी सासाराम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किशनगंज। अगला सवाल, बिहार से अलग करके झारखंड राज्य कब बनाया गया? ऑप्शन ए 11 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2001, ऑप्शन डी 21 नवंबर 2001। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाया था?
ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कृष्ण कुमार यादव, नीतीश कुमार सिंह, पंकज कुमार दास, विवेक मिश्रा, अतीक खान, धर्मेंद्र कुमार नेहरा, सीमा कुमारी, मंटू कुमार, नुगोलू कुमार, सिद्धार्थ कुमार, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, पंचम वर्मा, सदुल्लाह पलवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बीते दिन भारत पाकिस्तान के बीच हुए मैच में भारत के किस खिलाड़ी का प्रदर्शन आपको सबसे अच्छा लगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।